अभी अभी दोस्तों खबर आया था कि इसे भीमतला में कोई सांप देखा गया है, हमें बुलाया है, चल के देखते हैं कौन सा सांप है। कहाँ बोला था हेलो दोस्तों नमस्कार। इंडियन एक्सपेक्ट स्पेक्टिकल कोबरा है और हम लोग इसको साइंस के नाम में नाजा नाजा के नाम से जाना जाता है। तो कालू सिंह मेरा घर से 2 किलोमीटर दूरी में है, आए हैं, तब इसको हम रेस्क्यू करेंगे और रेस्क्यू करके फिर वीडियो में दिखाएंगे। पिंटू सिंह, कालू सिंह बेटा नाम पिंटू सिंह रे। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है और ये लकड़ी के अंदर घुसा हुआ था कालू सिंह के घर के अंदर। और हमें ग्रामीण का आदमी ने खबर किया है, छक्कू भाई साहब, हमें फ़ोन करके बुलाया है और घर वाला बहुत ही ज़्यादा ख्वाब में था, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी था क्योंकि चारों तरफ बार लगा हुआ है। हमें भी दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा निकलने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसे हम पैक करेंगे और चलेंगे जंगल की तरफ। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो थोड़ा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। अभी केचुआ है गलो।
तो है गुस्सा यार यार हमें खाई बोलिए दोस्तों अंदाज कैसा लगा। और अभी हम इसको पैक करेंगे, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इसको लेके चलेंगे जंगल की तरफ। और अभी मेरे ख्याल से इसका केचरी उतरने वाला है, तभी इसको जंगल में ही छोड़ना ठीक है, क्योंकि केचरी अभी उतरा नहीं सही ढंग से। और मेरे ख्याल लग रहा है ये बीमार है, और अभी बार का टाइम है हमें, तो दोस्तों इसको अब जंगल में ही रिलीज कर देंगे। डबल अरे नंबर ना था के चले भी हम पीछे घर पीछे टावर पीछे के हम हमको भी तो दादा कोई नहीं। अरे आज आयु तो अखने 1 घंटा पहले आ तो चले हम जाने है लो लगा दी बोटी यारा तो खेला देखा भी पैसा दीबे दे 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 10-20 टका करो दे में जाके लेपटा देख हमार काम नष्ट कर चल 2-4-5 जन डाक छिटे दे रात नहीं पानी आके भाग जाओ बरका दोस्तों साथ साथ में ये भी बात कहना चाहूंगा कि अगर ये सांप आप लोग को कभी काटता है तो आप लोग झाड़ फूक के चक्कर में ना रहे, क्यों इस सांप का जहर से गुनी ओझा से कोई ताल्लुक नहीं है, क्यों इसका अंदर न्यूरोटॉक्स पाया जाता है और न्यूरोटॉक्स डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। तो आप लोग को कभी भी कुछ होता है तो आप लोग हॉस्पिटल का सहारा लो, हैं क्यों इसका दवा का नाम है एंटीबिलम सीरम, जब तक एंटीबिलम सीरम चलेगा तभी आप लोग का जान बच पाएगा। तो
तो हम लोग का जब सांप पकड़ने जाते हैं तो साथ साथ में सारा उपचार भी बताते हैं। बहुत सा आदमी गलती कर बैठता है कि कई जगह में ओझा है, तर भैया ये वो झाड़ फूँक का काम नहीं करता ओझा। नोनबा सांप जो काटता है तो उसका झाड़ फूँक करता तो ठीक हो जाता। आदमी बोलता है अरे भाई वो ओझा के पास हम ठीक हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग को गलती ना करे और खुदा ना खासा किसी को ये नहीं कहूँगा कि किसी को काटे, अगर वैद्यवत काटता है तो आप लोग जिला हॉस्पिटल का सहारा ले। और दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगे दोबारा कहना चाहूँगा, अभी बार का टाइम है, बहुत ही दिक्कत है, दूर दूर से कॉल आता है, जा नहीं पाता हूँ, चारों तरफ पानी पानी है, तो गांव का आसपास होता है तो आ जाते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करना, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जो मैं सुबह 10 बजे कालू सिंह के यहाँ इस प्रैक्टिकल कोबरा पकड़ा था, अब हम लोग उसको जंगल में रिलीज करने के लिए आ गए हैं। और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ है, बहुत सारा पानी हो गया है, आने में भी बहुत दिक्कत है, तो अभी टाइम निकाल के इसको रिलीज करने के लिए आए हैं। तो आइए दोस्तों इसको तो दोस्तों इस प्रैक्टिकल कोबरा था, बहुत ही ज़्यादा बीमार था, जहाँ पे पकड़े थे वो मतलब ऐसा स्थिति था कि बचने का उम्मीद कमी था, और उस टाइम जिंदा था। और हम लोग आए, अभी आए तो मर चुका है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस। हम लोग का हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग पकड़ते हैं और इसको जीवन दान देते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मर चुका है। तो दोस्तों ये भी नहीं कहूँगा कि वीडियो में लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लगे तो सोच समझ के करना। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।